इस दिन का मैंने कब से इंतज़ार किया। रेवती, मैंने तुमको कितना मिस किया तुम सोच भी नहीं सकते हो। पता है आशीष, तुम जिस तरीके से मुझे हक करते हो ना, वैसे कोई नहीं करता। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। Don't worry about it, यार। डर लग रहा है यार। आज बहुत दिनों बाद इतना मजा आया ना? मुझे भी। तुम्हारे साथ टाइम कैसे चला जाता है ना? पता ही नहीं चलता। मैं हुई ऐसी। अच्छा। जल्दी वहाँ से हटो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये क्या है? किसने भेजा है? I don't know. Just some silly meme. Okay. और बताओ। I'm sorry. Oh, she's so cute. But तुमसे ज़्यादा cute नहीं है। It's me. Oh, really? Then I must say कि तुम बहुत gracefully age हुई हो। रेवती, एनीथिंग सीरियस? नो, नथिंग सीरियस। आई थिंक बहुत रात हो गई है ना, तो मुझे चलना चाहिए। रेवती, आर यू ओके? मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? नो, आई विल मैनेज। आई विल कॉल अ कैब। नो, आई विल सी यू लेटर। ओके। रेवती, घर से बाहर मत निकलना और किसी से मिलने की या बात करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे सारे वीडियोस मैं डार्क वेब पर अपलोड कर दूंगा। और यही नहीं, मेरे पास तुम्हारी और भी कई वीडियोस हैं ब्यूटी। कौन है? मैम, आपने पिज्जा ऑर्डर किया था? मैं पिज्जा डिलीवरी करने आया हूँ। राघव? यस मैम, आप दरवाजा तो खोलिए, मुझे और भी जगह पिज्जा डिलीवरी करनी है। राघव, तू तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम खतरे में हो। खतरा? What do you mean? यार, मेरे ख्याल से ना किसी ने तुम्हारा फोन हैक किया और उसके पास तुम्हारे फोन का पूरा एक्सेस है। तुम्हें स्टॉक किया जा रहा है। Raghav, you know what? I think you're right. क्योंकि अभी उसने मुझे एक वीडियो भेजा है जो मैंने कभी रिकॉर्ड भी नहीं किया है।
I think somebody is candidly shooting me. Which means कोई तुम्हारा फोन यूज कर रहा है तुम्हें रिकॉर्ड करने के लिए. यार, is this even possible? तुम्हारा फोन कहाँ पे है? मेरा फोन बेडरूम में. तो फोन लेकर आओ, लेकिन पहले तुम डेटा ऑफ कर दो. ओके? ओके. इस ऐप को तुमने सारी एक्सेस दे रखी है, कैमरा, ऑडियो, लोकेशन, सारी के सारे. But what app is this? ये मैंने कभी इंस्टॉल ही नहीं की है. Anyways, मैं इसे अभी अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ओके? के पास ना तुम्हारा कैमरा, लोकेशन, ऑडियो, किसी भी चीज का एक्सेस नहीं होगा, ठीक है? राघव, what do I do? मेरे फोन का सारा डेटा है उसके पास. तुम्हारी लास्ट कम्युनिकेशन क्या हुई थी उसके साथ में? उसने मुझे एक वॉइस नोट भेजा है, जिसमें उसने कहा था कि अगर मैं घर से बाहर निकली या मैंने किसी से भी बात की तो वो मेरे सारे वीडियोस इंटरनेट पे पब्लिश कर देगा. पुलिस के पास चलते हैं राघव. अगर उसने जो कहा है वो कर दिया तो? डोंट वरी, मेरा एक फ्रेंड जो एथिकल हैकर है, मैं उससे बात करता हूँ. उसका कोई ना कोई साइबर सेल में सोर्स ज़रूर होगा, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है? राघव, इफ यू डोंट माइंड, तुम आज रात को यहीं रुक जाओगे प्लीज़? हाँ, लेकिन मैं सोफे पे नहीं सोऊंगा. कम. नाइस रूम यार. थैंक यू. सो सो जाते हैं. मैं यहाँ सो जाती हूँ, तुम वहाँ सो जाओ. लेकिन मुझे तो राइट में सोने की आदत है. मुझे भी राइट में ही नींद आती है. तो एक काम करते हैं, हम दोनों राइट में सो जाते हैं, ओके? हाँ. अरे, आई एम जस्ट किडिंग. तुम इधर ही सो जाओ, मैं वहाँ सो जाऊँ. डू यू नीड एनीथिंग? नो, आई एम फाइन. ठीक है. रीप्ति, डोंट वरी अबाउट इट यार. डर लग रहा है यार. क्या लगता है, ऐप डिलीट करने से डेटा भी डिलीट हो जाएगा? डेटा मेरे पास सिक्योर्ड है, मेरे हार्ड ड्राइव पे है. ब्यूटी, मेरी वीडियोस डिलीट करो वरना मैं साइबर सेल में कंप्लेन कर दूंगी. जा कर दे कंप्लेन. अरे, मुझे तो सिर्फ 2 साल की जेल होगी ब्यूटी, पर तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद. तुम चाहते क्या हो? मिलना चाहता हूँ तुमसे. कल मिलने आओ शाम 5 बजे. काफी शॉर्ट स्टोरी है. सुनो, होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना मेरे एक क्लिक पर तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खलास. नहीं, मैं आ जाऊंगी. ओके, सी यू टुमारो. Ashish, it was you. This is not done. वही तो मैं भी कह रहा हूँ. This is not done yet. Please have a seat. देखो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है. क्या चाहिए तुमको? मैं लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ यार. और मैं ही आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, वहीं पर फंसा हुआ हूँ. याद है ये रेस्टोरेंट? हम आखिरी बार यहीं मिले थे. आशीष, आज हमने पूरे 4 साल का मार्क कंप्लीट कर लिया एक साथ. Aren't you happy? तुम्हारे और विशाल को भी तो 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए होंगे ना आज. तो कुछ सच बताना, उसी से मिलकर आ रही हो ना, इसलिए तुमको यहाँ आने में लेट हो गया है? हाँ, लेकिन यार क्लाइंट्स आने वाले थे, नया प्रोजेक्ट चल रहा है और मैंने तुम्हें बताया तो है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कल रात तो भी उसी के साथ थी ना. सी आशीष, आई टोल्ड यू, नया प्रोजेक्ट है तो टाइम देना पड़ता है यार. और क्या क्या दे रही हो उस विशाल को तुम? बोलो,
और क्या क्या ले रहा है वो तुम्हारा? तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ देखो बकवास बंद कर अपनी, ऐसे ही एनुअली दो बार किसी को प्रमोशन नहीं मिल जाता है। इनफ आशीष, मैं ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती जो मेरे कैरेक्टर पे डाउट करे, समझे तुम? नो व्हाट ब्रेकिंग अप विद यू। आशीष, अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हें दोबारा रिलेशनशिप में आना है तो मैं वो नहीं कर सकती। मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें डेट करूंगा? मुझे तो आज की रात तुम्हारे साथ बितानी है। What? मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। शांत हो जाओ, तुम आज प्रोस्टिट्यूट नहीं हो लेकिन कल हर पॉन साइट पे दिखोगे, तब तुम ये नहीं कह पाओगे। इसमें तुम्हारे अनगिनत न्यूड वीडियोस हैं और प्राइवेट मोमेंट भी, तो अभी साथ चल रही हो या एक क्लिक में पॉर्न स्टार बना दूँ? सोच लो। इस दिन का मैंने कब से इंतज़ार किया। अरे रेवती, मैंने तुमको कितना मिस किया है तुम सोच भी नहीं सकती हो। जिस तरीके से मुझे हक करते हो ना, वैसे कोई नहीं करता। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। अब एक मिनट, मैं वॉशरूम यूज करके आ जाऊँ पहले। श्योर। या? जल्दी आना। अरे वो मैं 604 में रहता हूँ। मैं जब भी आता हूँ तो ये क्या है यार, आपकी कार मेरे पार्किंग में आधी खड़ी हुई रहती है, तो मुझे कहीं और पार्किंग करनी पड़ेगी। तो एक काम करो, अपने कार जो है ना मेरी पार्किंग से सुनो, आप मेरी बात सुनो। मैं आपकी बात समझ के आप क्या कहना चाह रहे हो। अभी मेरे घर में गेस्ट आए, मैं आपको चाबी दे देता हूँ, आप प्लीज हटा। अच्छा रुको रुको, सुनो इधर आओ। आपको क्या लगता है कि मैं आपके बाप का नौकर हूँ या फिर ड्राइवर? नहीं ना, तो अपनी कार चलो और मेरे साथ में आप मेरी बात सुनो। घर में गेस्ट आया हूँ, मुझे टाइम देना, मैं चाबी दे रहा हूँ, खुद हटा दे। हेलो सुनो, मुझे भी लेट हो रहा है, अपनी कार है, चलो मेरे पार्किंग से हटाओ, चलो अभी के अभी। अब तो चाबी तो लेने देगा। रेवती, 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 ओपन द डोर, रेवती, दरवाजा खोलो, मैं तोड़ दूंगा। रेवती, यू आर सेफ नाउ, यू कैन कम आउट, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। रेवती प्लीज, यू कैन कम आउट, मैं आ चुका हूँ। मैंने उसका लैपटॉप पानी में डाल दिया, आई होप सारा डेटा खत्म हो जाए। लैपटॉप खराब कर दिया ना, सारा डेटा भी उड़ गया, अब क्या करूँगा मैं? ना डेटा है ना लैपटॉप है, तो
कैसे अब तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा? आई एम ए स्मार्ट गाय, मेरे पास और भी कॉपीज है डेटा की ना? कल तक तुम सारे पॉन साइट पर फेमस हो जाओगी, मिस रेवती, तुम्हारे मम्मी पापा चाचा डैडी तुम्हारे सब प्राइवेट मोमेंट्स देखेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इसके बैग में हार्ड ड्राइव है। बैग दीजिए, बैग दीजिए। हम बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे किसी भी एप्लीकेशन को सारी परमिशंस ग्रांट कर देते हैं। रेवती के केस में उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके फोन पर एक ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड की जिससे वो न सिर्फ उसका डेटा बल्कि उसके कैमरा और माइक्रोफोन को भी एक्सेस कर पा रहा था। जरूरी है कि हम टाइम टू टाइम अपने फोन में इंस्टॉल्ड एप्स पर नजर रखें, और अगर कोई ऐसी ऐप है जिसे हम यूज नहीं कर रहे तो तुरंत उसे अपने फोन से हमेशा के लिए अनइंस्टॉल कर दें। और कभी भी किसी नई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते वक्त सिक्योरिटी पैरामीटर जरूर जांच लें। आजकल के इस डिजिटल दौर में जरूरी है कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करें, सेफ रखें, सिक्योर रखें, क्योंकि आपका डेटा गलत हाथ में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है टू बी सेफ।